हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस एन कोटा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे NIH डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, इस समय NIH डीलेट को बैलेट कराने के लिए लगातार विद्यार्थी कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं सांसद से, विधायक से, मंत्री से अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय विद्यार्थी जो हैं अभी KBS में जो चयनित विद्यार्थी, पहले भी दिल्ली बहुत दिनों तक वहाँ रहे लेकिन उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। फिर उससे उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचे ताकि हम अपनी बातों को रख पाएँ और सरकार तक पहुँचा पाएँ, ताकि सरकार जो थोड़ा सा डिले कर रही है इसमें जल्दी से हमारी बातों को समझे और हमारी बातों को यानी इस डिलेट को बैलेट करें। अभी हमारे साथ प्रीति मैम है जो कि इस चीज़ के बारे में आपको अपडेट देंगी, क्या कैसे क्या करना है। चलिए हम आपको डायरेक्ट प्रीति मैम से बात कराते हैं जो कि KBS में चयनित विद्यार्थी है। इग्नोरेंस की वजह से ही कंडीशन ये है कि हमारा आज तक वही हाल है। हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन अगर होगा भी तो वो भी एक टीम की डिस्कशन से ही होगा, तो अंतिम विकल्प है। जब हमें ये आश्वासन है और जब हमें ये खुद से कॉन्फिडेंस है कि हम अगर एक संख्या में और पॉजिटिविटी लेके अगर किसी लीडर को या रूलिंग पार्टी को या अपोजिशन को अप्रोच करेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, तो हमें धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है। पहले तो हम यही पॉजिटिव अप्रोच लेके जाएंगे कि हम जा रहे हैं, हम बात करेंगे और हम मिलेंगे और हमारी बातों को समझा जाएगा। लेकिन फिर मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर कोई ये कहे कि हम पहले भी जाके मिल चुके हैं तो हमारे पहले नंबर्स कम थे, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सब लोग, अगर जो लोग इस NIOS का सपना या इस NIOS की डिग्री को छोड़ चुके हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लोग जिनके लिए अंतिम विकल्प है, ये उनका करियर का सवाल है, वो लोग बिल्कुल मन में पॉजिटिविटी लेके एक बार दिल्ली आइए। हमारी संख्या रहेगी तो हमारी बात हर कोई सुनेगा। कोई ऐसा, ये सारी की सारी र्यूमर की चीजें हैं, और जो जेल जाना और ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ना उनको हमारे लॉ के बारे में पता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, सबसे बड़ी बात ना अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है। पर जब उनको कुछ नहीं पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे या र्यूमर्स फैलाएंगे, क्योंकि उनको खुद अपनी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। आई गेस कि उनके पास डिग्री है भी या नहीं है, तो उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि आप सब लोग दिल्ली आइए, एक पॉजिटिविटी के साथ आइए, एक ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए आइए, एक टीम लीड, एक कोलैबोरेशन के लिए आइए, और देखिए आप अपनी डिग्री को वैलिड करा के ही जाएंगे और हम लोग अपनी जॉब लेके ही जाएंगे। ये बिल्कुल, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और यहाँ पे हमारी बात जरूर सुनी जाएगी, लेकिन जब हम नंबर्स में होंगे तभी सुनी जाएगी। इसलिए सब लोग जरूर आइए, और कोई इस तरीके का नहीं है कि जेल जाना है। हम लोग कई बार जा चुके दिल्ली में, जाके बातें कर चुके हैं, क्या हम कभी जेल गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो सबसे पहले तो उनको डरना चाहिए, लेकिन आपको जान के ये सरप्राइजिंग लगेगा कि वो ही टीम का लीड कर रहे हैं, वो ही टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सारी अफवाहें हैं, आप प्लीज इस अफवाहों को खारिज करिए अपने चैनल के माध्यम से भी, और बाकी लीडर्स को भी इन्वाइट करिए जिससे कि वो सही तरीके से गाइडेंस।